प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। जय देवी माँ अपराजिता देवी की। और साथ ही हम हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, श्री राम दूत हनुमान जी के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए दर्शकों, मैं आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ देवी की और हनुमान जी की दोनों की कृपा आप पर एक साथ हो, तो यही इन्हीं कृपा से इस कार्यक्रम में हम फिर से उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रिय दर्शकों, पहले माँ को और हनुमान जी को पुष्प अर्पण करेंगे, उसके बाद तिलक धारण करके शंखनाद होगा और फिर लाइव प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और आप सभी जन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम को नित्य दिन देखते हैं। आपको यदि इस कार्यक्रम में जुड़ना है तो निश्चित रूप से अभी आपको जुड़ने का मौका प्राप्त हो रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत हमें कॉल करें। इस कार्यक्रम में देवी अपराजिता का, हनुमान जी का अपना विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन को सुखमय बनाएं। जय त्रिलोकी देवी माँ अपराजिता देवी के करण चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम दूत हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, आइए तिलक धारण करते हैं, उसके बाद शंखनाद करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमोस्तु नमः सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जब भी शंखनाद हो, दर्शकों इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनते हैं, तो टीवी का वॉल्यूम अवश्य ऊंचा करें ताकि घर का हर सदस्य शंखनाद को सुन सके और उनकी आत्मतृप्ति हो और घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग खड़ी हों और घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। तो शंखनाद का आनंद लीजिए। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। विनोद भीमराव पाटिल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? महाराष्ट्र से। अपनी उम्र बताएं। 1975। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 33। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। लीला भाई भीमराव पाटिल। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा काफ़ी लंबे समय से ज़्यादा परेशानी चल रही है, घर में धन की बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, बरकत नहीं है, सोचे हुए काम बेटा सफल नहीं होते। और बेटा अभी 7 वर्ष और कठिनाई वाले दिखाई दे रहे हैं बेटा, कम से कम 8-10 वर्षों से काफ़ी बेटा परेशान चल रहे हो बेटा, कोई काम नहीं बनता, घर में पैसा नहीं रुकता। अभी बेटा 2028 तक का समय आपके लिए थोड़ा काफ़ी कठिनाई वाला है।
जिसमें बेटा पैसा व्यर्थ में जाएगा, आमदनी से खर्च ज़्यादा रहेंगे, धन की तंगी रहेगी, अपनी बेटा इच्छाओं को भी मारना पड़ेगा। सबसे पहले यदि जीवन में सफलता और धन का सुख चाहते हो तो बेटा आपको विशेष शुक्र और केतु से संबंधित बेटा कुछ समाधान करना है, जिससे बेटा जीवन में घर में बरकत और धन हानि, बरकत की वृद्धि होगी और धन हानि यानी व्यर्थ में नुकसान नहीं होगा। जो अनावश्यक खर्च हैं बेटा वो आपके रुक जाएंगे। एक तो बेटा आपको करना क्या है, रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना है आपको, चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा आपको बेटा किसी भी शुक्रवार को मंदिर में जाके गंगा जल कच्चे दूध से धो के शिवलिंग पे चढ़ाएं। 5 शुक्रवार बेटा आपको 5 जायफल और थोड़ी छोटी इलायची किसी सफ़ेद रंग के नए रुमाल में बांध कर, थोड़ा इत्र लगा कर उसको मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में रख कर आना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा पन्ना रत्न आपको धारण करना है। इसके साथ में 1 मुखी रुद्राक्ष भी अवश्य पहनना, दुर्भाग्य आपका समाप्त हो जाएगा। वर्ष में 1 बार बेटा किसी अंधे को भोजन और किसी काली गाय को बेटा चारा भर पेट ये आपको अवश्य खिलाना है। किसी भी प्रकार का नशा, नॉनवेज और दारू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। नीले काले कपड़े पहनना बिल्कुल छोड़ दीजिए और रात का खाना आपको बेटा नीचे भूमि पर बैठ के खाना है। शुक्र और केतु की योग्य विद्वान से शांति अवश्य करवाएं, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। रीना गांधी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हिसार हरियाणा से। अपनी उम्र बताएं। 40 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10 नंबर। अपनी माता जी का बेटा नाम बताओ। श्रीमती सत्या कुमारी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा काफ़ी प्रतिभावान हो, पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छे पद का भी योग है, लेकिन जीवन में अभी तक संघर्ष चल रहा है। आपके भाग्य में बेटा सरकारी पद का बहुत ही सुंदर योग बनता है, प्रयास करोगे तो सफलता मिल जाएगी बेटा। अभी बेटा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हो? हाँ जी। सरकारी पद की बेटा इच्छा रखते हो बेटा? ये वर्ष जो है ये आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला है। अब आप बेटा कुछ उपाय अवश्य सुन लेना। आने वाले रविवार से 41 दिन लगातार बेटा आपको माथे पर केसर और लाल चंदन को मिलाकर उसका तिलक लगाना है। आने वाले रविवार से 41 दिन लगातार तांबे के कलश से सूर्य को जल देना है। जल में 7 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य के सामने अपनी मनोकामना प्रकट करनी है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक रूबी रतन लाल रंग के धागे में कंठ में धारण कर लेना और 5 रविवार 800 ग्राम गेहूं, 800 ग्राम गुड़, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और कुछ पैसे रख के मंदिर में जाके किसी वृद्ध ब्राह्मण को बेटा दान कर देना। आपका बेटा बुध और सूर्य दोनों पितृदोष के प्रभाव में दिखाई देते हैं, इनकी बेटा थोड़ी विधिवत योग्य विद्वान से शांति करवाइएगा। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है, जिस बेड पे सोते हो उस बेड के बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन का उपयोग ना करें। गाय की जितनी सेवा करोगे उतना लाभ मिलेगा, यदि कोई कपिला गाय मिल जाए उसको कुछ भी खिलाएंगे तो बहुत ही विशेष आपको फल प्राप्त होगा। बेटा उपाय नियम से करना, सर्विस नौकरी में श्रेष्ठम पद बहुत जल्दी मिलने वाला है।
बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। हेलो बेटा, पूरा नाम बताओ अपना। रामचरण यादव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मध्य प्रदेश जिला असुरनाथ से बात कर रहा हूँ गुरु जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र 25 साल गुरु जी। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी गुरु जी। बेटा एक नंबर बोलिए कोई भी। जी 32। अपनी माँ का नाम बताएं। आराम भाई यादव। तीन बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। बोल दिया गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी। बेटा अभी सरकारी नौकरी करते हो बेटा? जी गुरु जी। लेकिन एक बात का बेटा ध्यान रखना, आपका सूर्य बेटा थोड़ा निर्बल है, मृत अवस्था में है। सूर्य को प्रबल करें तो जीवन में अच्छी पद प्रतिष्ठा, बड़ी प्रमोशन और जीवन में कार्य सिद्धि मिलेगी। आपके मन में सबसे बड़ी समस्या यही होनी चाहिए कि जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितना आप प्रयास करते हैं, उतना आपको फल नहीं मिलता होगा। काम बेटा बिल्कुल बनते बनते रह जाते हैं आपके। अभी बेटा क्या पुलिस विभाग में नौकरी करते हो? बेटा एक बात का ध्यान रखना, मंगल और सूर्य को प्रबल करो, राहु का विसर्जन करो, आपके बेटा कार्य सिद्ध हो जाएंगे। किसी भी एक बुधवार के दिन 1 मीटर नीला कपड़ा, उसमें 8 किलो जौ और 1 सूखा नारियल बांध कर बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना। दूसरा बेटा, जीवन में ना तो कभी शराब पीनी है, ना कभी शराब की पार्टी करनी है। किसी की भी जीवन में निंदा चुगली बुराई बिल्कुल भी नहीं करना। और बेटा सूर्य और मंगल के उपाय करने हैं। रूबी रतन लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है आपको। और बेटा हर मंगलवार को छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को भुने हुए चने और गुड़ अवश्य बांटा करें, या साथ में आप केले का भी दान बच्चों को या बंदरों को कर सकते हैं। 2 तांबे के सिक्के बेटा एक ही साइज के आपको लेने हैं। दोनों को बेटा रेस से अच्छी तरह साफ करके धोना है, उनको चमकाना है। दोनों को शहद का तिलक लगाना है बेटा। 1 सिक्का मंगलवार को कहीं बहते पानी में प्रवाह कर देना। दूसरे को लाल कपड़े में लपेट के हमेशा अपनी जेब में रखना। आपको बेटा जीवन में प्रमोशन के साथ में और भी बहुत सारे कार्यों में बेटा सफलता और सिद्धि मिल जाएगी। आपके काम बनेंगे और आपके बेटा मन में जो एक संताप है कि आपको मनोवांछित फल नहीं मिलता, वो आपका बेटा दूर हो जाएगा। सच्चे मन से बेटा उपाय करना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। एकता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान जयपुर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी 43। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। कृष्णा गिया। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी।
बेटा पढ़े लिखे हो, प्रतिभावान हो, सूर्य और शुक्र का आपका राजयोग भी है, लेकिन जीवन में संतुष्टि, स्थिरता और सफलता वो आपसे बेटा दूर जा रही है। काम आपके अभी कोई विशेष नहीं बनते, जो सोचते हो वो काम पूरा नहीं होता आपका। अभी बेटा नौकरी भी करते हो बेटा? जी। नौकरी से संतुष्ट नहीं हो बेटा? उसमें ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। अपना बेटा कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हो या कर रहे हो? जी करना चाहती हूँ बिजनेस। क्या कोई फाइनेंस से संबंधित या कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित काम करते हो बेटा? हाँ जी। पर उसमें कोई विशेष लाभ तो अभी नहीं मिल रहा आपको? बल्कि उसमें जो किया उसमें सफलता भी नहीं मिली है। पैसा कहीं रुका भी है बेटा? जी। शनि को प्रबल करें, आपका सूर्य और शुक्र का राजयोग है बेटा। सूर्य और शुक्र की बेटा विशेष शांति आपको करवानी है योग्य विद्वान से। एक चांदी का चकोर टुकड़ा लाल कपड़े में रैप करके हमेशा आपको अपने घर में पूजा के स्थान पर स्थापित करना है शुक्रवार के दिन से। रविवार के बेटा एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा लेना, लाल रंग के रुमाल में गंगाजल, कच्चे दूध का तिलक लगा के धो के लाल कपड़े में रैप करके उसको पूजा में रखाना है बेटा, रखना है शुक्रवार के दिन और उसको वहीं रखे रखना है। धूप दीपक रोज दिखाएं, शुक्र आपका प्रबल होगा। हर रविवार को बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे थोड़ा लाल चंदन चढ़ा के जल चढ़ाया करो, और किसी वृद्ध ब्राह्मण, कोई अगर बूढ़ा बुजुर्ग ब्राह्मण आपको मिल जाता है तो उसको बेटा आप रविवार के दिन गुड़ और अनार का बेटा दान किया करें, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक सूर्यकांत मणि रतन, ये आपको लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपको जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, इसके लिए विशेष उपाय दे रहा हूँ आपको। घर के पश्चिम दिशा में रोजाना संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक आपको रोज जलाना है, पश्चिम मुखी दीपक। और आपने बेटा शनि को और प्रबल करने के लिए कोई शमी का पेड़ ढूंढ लीजिए, उसकी थोड़ी मूल प्राप्त करनी है, उसको घर के बेटा पूजा के स्थान पे शनिवार के दिन किसी मिट्टी के दिए में रखना, उसको रोजाना सरसों के तेल का तिलक लगाना। एक बात का ध्यान रखना, जितना बेटा रात को अपनी रसोई घर में बिल्कुल साफ करके सोओगे उतना भविष्य चमकेगा, उतना रोजगार आपका बढ़ेगा। गौ ब्राह्मण की सेवा करते रहें। और दूसरा बेटा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, जीवन में जब भी कोई काम करते हैं ज़्यादा दिखावा करने का कभी प्रयास न करना, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें पहले मत बोलना, नहीं तो आपके सभी काम अस्त हो जाएंगे, काम आपके सब रुक जाएंगे। जो भी काम करो बेटा चुपचाप करो, बिना किसी को बताए हुए करना, सफलता मिलेगी। हाथों की उंगलियों में आपने सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना बेटा, ये उपाय नियम से करिएगा, कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, जो कार्य करना चाह रहे हो इसी में ही बेटा सफलता मिल जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। विजेंद्र सिंह राठौर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान भीलवाड़ा। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 35 साल। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 29। अपनी माँ का नाम बताएं। कैलाश कुमार। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। जीवन में काफी संघर्ष कर रहे हो बेटा, कोई काम आपका बेटा सिद्ध नहीं होता जी। आमदनी से खर्चे ज्यादा हैं, कोई विवाह शादियों से संबंधित कार्य करते हो बेटा जी? टेंट हाउस का काम करते। बरकत नहीं है बिल्कुल भी काम में। हाँ, कब से काम कर रहे हो बेटा? मेरे को 10-12 साल हो गए। लेकिन आज तक बेटा जीवन में यही बात है, जितना कमाओ उससे ज्यादा बेटा खर्च करो बेटा। एक हाथ पैसा आता है उससे ज्यादा चला जाता है बेटा जी। शनि और शुक्र का उपाय करें बेटा, आपका रोजगार चमकेगा, रोजगार बढ़ेगा। कोरोना ने भी बेटा आपके व्यापार को काफी नुकसान पहुंचाया होगा जी। एक तो बेटा शुक्रवार के शुक्रवार काली गाय को हरा चारा और किसी अंधे ब्राह्मण को भोजन, ये हर शुक्रवार को दिया करो, ये अपना नियम बना लो। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। और बेटा किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना, थोड़ी गूलर की औषधि समिधा लेके आनी है। आपने क्या करना है बेटा, रात को थोड़ी सी समिधा बेटा एक बाल्टी जल भर के उसमें डाल दिया करो। सुबह उस जल से स्नान करोगे तो शुक्र का बहुत ही अद्भुत आपको फल प्राप्त होगा। रोजाना बेटा आपको सूर्य देवता को जल देना है, उस जल में थोड़ा कच्चा दूध अवश्य डाल दिया करो। शराब ना तो पीनी है ना किसी को पिलानी है। केतु और बेटा शनि की योग्य विद्वान से शांति करवाना। अगर बेटा मंगलवार के मंगलवार कोई बंदर दिख जाए या छोटा गरीब बच्चा दिख जाए, उसे बेटा कुछ केले अपने हाथ से बेटा दान कर दिया करो। आपके कार्य बेटा सिद्ध हो जाएंगे बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। जी मेरा नाम रोहित है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लखनऊ चार बाग। अपनी उम्र बताएं। मुझे 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरु जी 9। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरु जी लीलावती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। बेटा कुछ संतान को लेकर परेशानी चल रही है बेटा आपकी? जी गुरु जी। बेटी है आपके पास? जी गुरु जी। स्वास्थ्य खराब रहता है बेटी का? जी गुरु जी, बहुत तबीयत 5-6 महीने से बहुत खराब रहता है। डॉक्टर से इलाज करवा करवा के थक गए हूं। कितने टाइम से बेटा बीमार चल रही है बेटा? मुझे 5-6 महीने, वैसे तो 1-1.5 साल हो गए, लेकिन 5-6 महीने से बहुत ज्यादा बीमार है गुरु जी। बेटा एक काम करिए, सबसे पहले आपने बच्ची के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज लेकर शनिवार को बेटा दान करवाना है। और साथ में एक लोहे का तवा और एक काले रंग का छाता सूर्यास्त के बाद बेटी के हाथ से किसी डाकोत को दान करें। दूसरा बेटा आपने करना क्या है, इसके वजन के बराबर जौ नीले कपड़े में बांध कर बुधवार को बहते पानी में प्रवाह कर देना। पंसारी की दुकान पे चले जाना, इसको कुछ नजर हाय का भी दोष है। एक बेटा सफेद रंग की कौड़ी लेके आनी है, सुनार के पास चले जाना, कौड़ी लेके उसकी चांदी से कैप लगवा लेना, चांदी की हुक लगवा के।
बुधवार को सूर्योदय काल में काले रंग के धागे में कच्चे दूध से धोकर बेटी को गले में धारण करवा देना, बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं, नमक चीनी घी डालकर, और तीनों बेटा बेटी के सिर से 7 बार वार कर एक गाय को दो, एक तोड़कर कौओं को डालो, एक तोड़कर कुत्तों को डाल देना। सारा संकट दूर हो जाएगा, बच्ची आपकी बेटा स्वस्थ हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी सौरभ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी सरूम नगर से बात कर। अपनी उम्र बताएं। जी 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 8 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? जी। घर में कला कलेश ज्यादा होता है, कुछ भाई को लेकर कलेश रहता है बेटा ज्यादा? जी गुरुजी, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई है रोहित, जिसकी उम्र 28 साल है, बहुत नशा करता, उससे बहुत परेशान हूँ। एक काम करना बेटा, 400 ग्राम तंबाकू नीले कपड़े में बांधकर भाई के सिर से 7 बार वार कर भाई के हाथ से जल प्रवाह करवा देना। एक गोमेदक रतन लेना है बेटा, चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करवा देना। किसी योग्य विद्वान से मिलिए और घर में गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ करवाइए बेटा, पूर्णिमा के दिन या बुधवार के दिन। और भाई के हाथ से बेटा आपको क्या करना है, 400 ग्राम कच्चा दूध, 400 ग्राम कच्चे चावल सोमवार को जल प्रवाह करवा देना, भाई को लाभ मिलेगा, घर में शांति आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, सदा कल्याण। और इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे, चलते चलते माँ के चरणों में थोड़े पुष्प अर्पण करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। ये सब पुष्प मैं आप सब की तरफ से त्रिलोकी देवी माँ अपराजिता को अर्पण करता हूँ कि हे माँ देवी, आपके चरणों में पुष्प हम समर्पयामि। दर्शकों बड़े प्रेम से 3 बार जय श्री राम बोलिए। ये पुष्प मैं आप सब की तरफ से हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दूत हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। हरिओम, हरिओम, हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।